अरे तो हम क्या हुआ? तो दीदी बोली कुछ नहीं और तब से मैं सो गई। आगे आगे ऑन ही नहीं है। ऑन है? ऑन ही नहीं है। ऑन ही नहीं है। ऑन है। ऑन ही हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, हम सब उठ चुके हैं, घड़ी बज रहे हैं 5 और हम लोग जा रहे हैं नहाने, क्योंकि बताया थे हम लोग को मंदिर निकलना है माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ये नहा ली है और पीहू भी ब्रश कर रही है और हम चल रहे हैं। ब्रश तो करेंगे नहीं, दांत में तोड़ना भूल गया है। अब देखते हैं कैसे कुछ जुगाड़ लगाते हैं, क्या करना है क्या नहीं। तो चल रहे हैं नहाने गाइस और मिलते हैं हम नहाने के बाद आपसे। तो गाइस, हम लोग अब रेडी हो चुके हैं निकल रहे मंदिर के लिए। चलिए मिलते हैं मंदिर से पहुँच के आपसे। तो गाइस, फाइनली हम लोग ने डेस्टिनेशन माता रानी दरबार में आ चुके हैं। और माता रानी दरबार ये रहा माँ ज्वालामुखी देवी। तो हम लोग आ चुके हैं माँ ज्वालामुखी देवी मंदिर पे और देखिए अभी भीड़ है सुबह सुबह। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने माता रानी दरबार में माँ ज्वालामुखी देवी, जो कि ये शक्तिनगर में है। देख सकते हैं ये माता रानी दरबार वहाँ पे है, अभी बन भी रहा है ऊपर। लेते हैं यहाँ प्रसाद हम लोग। कितना मीठा है? आधा किलो। और यहाँ से लेंगे वो प्रसाद, जैसे देखिए सारा पंडाल लगा हुआ है प्रसाद की। तो हम काफी दिनों के बाद आए हैं। गाइस, काफी भीड़ है सुबह सुबह भी और पुरुषों की लाइन तो कम है लेकिन लेडीज की लाइन ज्यादा है। देखिए लेडीजों की लाइन फाइनल के दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ माता रानी दरबार में जाकर। अच्छे से वहाँ फोटो और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इस वजह से मैंने बनाया नहीं। और काफ़ी प्यारा दर्शन हुआ, तो अंदर जाके पंडित जी दर्शन कराया, बहुत अच्छा दर्शन हो गया। और चलते हैं बाहर हम लोग मंदिर से। तो अभी मंदिर दोस्तों फाइनली आधा घंटा लाइन लगने के बाद हम लोग का दर्शन हो गए अच्छे से और दर्शन के निकल चुके हैं लोग बाहर। जैसे देख सकते हैं अभी भी लाइन लगा हुआ है और बजने वाले हैं सुबह के साथ। हम लोग अच्छे टाइम पर आ गए थे और दर्शन अच्छे से कर लिए। दर्शन लेकिन अच्छे से हो गया, दर्शन बहुत तो ये रहे माता की सवारी सिंह। गाइस, हम लोग निकलना है घर के लिए, पूजा अच्छे से हो गया है। इधर मेला भी लगा हुआ है बट वो शाम को लगता है और हम लोग सुबह सुबह आ गए थे तो इसकी वजह से मेला नहीं हो पाया। तो देखिए इधर दुकान खुलने चालू हो गए हैं और इस साइड में पूरा मेला लगा हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं बड़े बड़े, वो शाम को खुलता है। हम लोग सुबह आए थे इस वजह से नहीं, हम लोग सिर्फ दर्शन करने आए थे। चलिए निकलते हैं घर। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी सब सो भी रहे हैं, खाली इधर अम्मा उठी हैं। तो गाइस, पीहू और पंछी में हो रहा है फाइट, क्योंकि पीहू उठी थी सुबह और पंछी उठ नहीं पाई थी जाने। अरे तो हम तो दीदी बोली कुछ नहीं और तब से मैं सो गई। आधी आधी सोई थी, सुधीर आ गए थे, सो गई। हम जो कि भेजे थे दीदी को जगाने के लिए कि जाओ पंछी को जगा के लेके आओ मम्मा को। अच्छा, तो मैं अपने से ही चल गई थी ना।
अच्छा चुप है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट दिखाया जा रहा है स्कूल, तो हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर स्कूल। आज उन लोग का पीटीएम भी है और रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है, मार्कशीट वगैरह। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को स्कूल और आज इन लोग का आने वाला है रिजल्ट, तो देखते हैं मार्क्स कितने आते हैं। अगर मार्क्स अच्छा रहा तो इन लोग को जैसे मैंने वादा कर रखा था पार्टी का, तो पार्टी इन लोग को मिलेगी, नहीं तो पार्टी कैंसिल। मार्क्स अच्छा आएगा तो जरूर आइसक्रीम खिलाएंगे, पार्टी देंगे। पहले आइसक्रीम खिलाएंगे फिर बाद में पार्टी देंगे, बट मार्क्स अच्छा होना चाहिए। तो देखते हैं, पहुंच अभी जा रहे हैं हम लोग स्कूल। आज पीटीएम है और इन लोग मार्क्स दिखाया जा रहा है रिजल्ट का, तो कैसा आता है। आई होप अच्छा आएगा तो इन लोगों को पार्टी मिलेगा, नहीं तो फिर पार्टी कैंसिल हो जाएगी। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि अभी पार्टी कैंसिल मैंने कर रखा था। मामा जितना अच्छा मार्क्स आएगा वो जाएगा ना। हाँ, जिसका मार्क्स अच्छा आएगा वो पार्टी में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, उसको पार्टी मिलेगी मेरे तरफ से। तो गाइज हम लोग फाइनली स्कूल पे आ चुके हैं और अब चल रहे हैं क्लासरूम में। कार को मैंने यहाँ पार्क कर दिया क्योंकि काफ़ी भीड़ है कार की, तो इसके वजह से हम लोग थोड़ा दूर पार्क करना पड़ा है। चल रहे हैं क्लास में, देखते हैं कैसा मार्क्स आता है। नर्वस हो रिजल्ट को लेके? बोलो तुम, खुश? पंछी दिख रही है तो इससे लग सकता है पंछी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। और पीहू और गोलू थोड़ा नर्वस है, हम लोग पहुँचने वाले क्लास में। तो दोस्तों हम लोग सारा कॉपी वगैरह चेक कर लिए हैं, जिसमें सबसे अच्छा कह सकते हैं तो पंछी का आया है, और पंछी सिर्फ पार्टी के हकदार है तो पंछी को मिलेगा, बाकी किसी के मार्क्स से खुश नहीं है, ना तो गोलू के ना तो पीहू के, किसी के मार्क्स से हम लोग खुश नहीं है। तो गाइज जैसे मैंने अपना एक पहला वादा पूरा कर दिया पंछी से और मैंने पंछी को आइसक्रीम खिला दिया है और पार्टी हो गई कम्प्लीट, पंछी का पार्टी कंप्लीट। पंछी पार्टी कंप्लीट हो गया ना? तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, चलिए मिलते हैं घर पे जाके अब। A few hours later. तो गाइज अपने वादे के अनुसार बच्चों को हम लेके आ गए हैं पार्टी कराने के लिए। तो ये रहे हमारे गोलू, हनी, पीहू, चुलबुल और पंछी, आज वादा पूरा करने आ गए बच्चों को। और एग्जाम में अच्छा आएगा तो पार्टी देंगे, मतलब अच्छा रहा, एवरेज रहा, पंछी का सबसे अच्छा रहा, बाकी सबका एवरेज रहा, तो फिर भी हमने पार्टी देने चलाया और चलते हैं इनको पार्टी देते हैं। तो हम सब आ चुके हैं अभी रिया पैलेस। तो ये रिया पैलेस में एक्वेरियम है, एक्वेरियम पॉड। गाइस हम तो खाएंगे नहीं क्योंकि आज मेरा फास्ट है और सारे बच्चों को पहले पार्टी देने आया हूँ, तो सारे बच्चे आज खाएंगे और मैं बस खिलाऊंगा। आज मेरा फास्ट है, आज मेरा कुछ नहीं, मैं नहीं खाने वाला कुछ भी, मेरा घर में बन रहा है फास्टिंग वाला। पंछी का अलग डिमांड है, पीहू का अलग है, चुलबुल का अलग है, गोलू का अलग है, हनी का क्या है पता नहीं। तो गाइस हम तो ऐसे खड़े रहेंगे, बाकी सब खा रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में मंगाया ना सामने चाउमीन, और उसके बाद है मेन कोर्स में रहेगा इनका कढ़ाई पनीर और बटर नान। बॉय हम लोग बाद में आएंगे, हम दो बाद में आएंगे, हम दो कौन हनी? हमारी वाली, हमारी वाली साथ में आएंगे हम दोनों। तो गाइज सभी लोग खा चुके हैं बस, और कैसा रहा तुम लोग का? तो मज़ा आया बिल्कुल, तब मजा आया पंछी, पार्टी पूरा हो गई ना, क्या पीहू? चलिए गाइस अभी निकल रहे हैं घर के लिए और मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। मौसम भी अच्छा है, हवा चल रहा है, देखिए झंडा उड़ रही है और ठंडा ठंडा मौसम है एकदम। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि सौ को खाया जाता है थूका जाता है, तो इसको बता दीजिएगा। तो ये हमारे चुलबुल पांडे को, जो किसी यूट्यूबर का क्या है,
ताज हैं, हमारे ब्लॉक के ताज हैं, हीरो हैं, मिर्ची हैं और क्या क्या पता नहीं क्या क्या है। हमारे ब्लॉक के सब कुछ है ये। तो गाइस थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, हनी क्या बोली, वड़ा पाव को गटकते या टूटते हैं? चलिए गाइस मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। ऑन ही नहीं है, ऑन है, ऑन ही नहीं है, ऑन ही नहीं है, ऑन है, ऑन ही नहीं है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं पेंट और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर फेसबुक पे इस चैनल को आगे बढ़ाएं तो फॉलो करें। केक बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। केक देखना है तो वन केक करवा दीजिए। तो गाइस ले बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।